बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग प्रोसेस के टॉपिक का आगाज किया था, जिसमें हमने इसके फर्स्ट थ्री स्टेप्स, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग द सॉल्यूशन और कोडिंग द प्रोग्राम की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। और दोस्तों, आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग प्रोसेस के फोर्थ स्टेप, टेस्टिंग दैट प्रोग्राम की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे, जिसमें हम खास तौर से आपको एरर की टाइप्स बताएंगे। इसके अलावा ये एरर होता क्या है और ये किस वजह से आपके प्रोग्राम में अकर होता है, इसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप कोडिंग द प्रोग्राम तक आपका सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया था, यानी ये वो स्टेप था जहां पर आपने अपने सॉफ्टवेयर को असल शक्ल दी थी। अब बारी आती है आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की। और दोस्तों, ये मरहला, ये स्टेप बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर को इस नियत से इस्तेमाल किया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर की खामियों को निकाला जा सके और टेस्टिंग के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि सॉफ्टवेयर हर तरह से सही काम कर रहा है या नहीं, उसमें कोई खामी या एरर तो नहीं है। और प्रोग्रामिंग की जुबान में इन खामियों को कहा जाता है बग्स। और इसी तरह इन एरर्स, इन खामियों को ढूंढने और निकालने के अमल को डीबगिंग कहा जाता है। और दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त उस सॉफ्टवेयर की पहले टेस्टिंग और फिर डीबगिंग करना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि इस स्टेप के जरिए आपको पता लग जाएगा कि एरर कहाँ आ रहे हैं, फिर ही तो आप उन एरर्स को रिमूव कर पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको पता हो कि एरर क्या होता है और इसकी टाइप्स कितनी है, तभी तो आप उन एरर्स को ढूंढ सकेंगे। और जब आप एरर को ढूंढ लेंगे तो फिर आप उसको बआसानी रिमूव भी कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, एरर के माने होते हैं गलती। जब भी आप अपने प्रोग्राम में कोई गलती करते हैं तो आपका प्रोग्राम एरर जनरेट करता है। और आमतौर पर वो एरर तीन तरह के होते हैं, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो डियर फ्रेंड्स, सिंटेक्स एरर क्या होता है? अ सिंटेक्स एरर इज अ वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ व्हाट एवर लैंग्वेज द प्रोग्राम इज बीइंग रिटन। दोस्तों, सिंटेक्स एरर तब आपके प्रोग्राम में आता है जब आप जिस लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को लिख रहे हैं उस लैंग्वेज के रूल्स को तोड़ते हैं, तो ये एरर अकर होता है। तो दोस्तों, इसीलिए इसको आमतौर पर ग्रामर एरर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह उर्दू एक लैंग्वेज है, तो जब भी आप उर्दू में कोई सादा जुमला लिखते हैं तो उसके आखिर में डैश लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उर्दू लैंग्वेज का रूल है। इसी तरह सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये भी उर्दू लैंग्वेज का ही रूल है। बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर में भी तमाम लैंग्वेजेस कुछ रूल्स और रेगुलेशंस से मिलकर बनती हैं और इन्हीं रूल्स को सिंटेक्स का नाम दिया जाता है। तो अगर आप प्रोग्राम को लिखते हुए कोई सिंटेक्स गलत लिख देते हैं तो उस लैंग्वेज का कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा और एरर जेनरेट कर देगा। और दोस्तों, वो जो एरर कहलाएगा सिंटेक्स एरर। तो डियर फ्रेंड्स, इससे हमें ये भी पता चला कि जो सिंटेक्स एरर होते हैं इन्हें ढूंढना और फिर ठीक करना आसान होता है, क्योंकि जिस भी कंप्यूटर लैंग्वेज में आप वो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका कंपाइलर ही आपको बता देगा कि इस प्रोग्राम में इस लाइन पर ये सिंटेक्स एरर मौजूद है, और उस कंपाइलर की बदौलत आप उस एरर को बआसानी ठीक कर देंगे। और फ्रेंड्स, एक बात और याद रखिए कि जब तक आपके प्रोग्राम में एक भी सिंटेक्स एरर मौजूद है, तब तक आपका कंपाइलर आपके प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि ये एरर आते कहाँ से, यानी ये जो सिंटेक्स एरर है इनकी वजूहात क्या होती हैं। तो दोस्तों, इसकी जो सबसे पहली वजह है किसी भी प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर आने की, वो है मिस स्पेलिंग। यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि कुछ खास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर फराहम करेंगे। तो दोस्तों, अगर उन कीवर्ड्स को लिखते वक्त आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, उनको लिखते वक्त कोई स्पेलिंग में गलती कर देते हैं, तो आपके प्रोग्राम में जो एरर जनरेट होगा वो कहलाएगा सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर आने की जो पहली वजह है वो ये है कि मिस स्पेलिंग। यानी अगर आप कीवर्ड्स में कोई मिस स्पेलिंग कर देते हैं, आप इस एल्स की जगह ELSI लिख देंगे, तो यहाँ पर आप ये स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम में एरर जनरेट होगा और वो एरर कहलाएगा सिंटेक्स एरर। इसके अलावा मिसिंग सेमीकॉलन्स, कॉलन्स। दोस्तों, आमतौर पर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ये रूल्स होते हैं कि उनमें जब भी आप
कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके आखिर में आपको सेमीकॉलन लगाना होता है इस तरह से। जैसे आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ सेमीकॉलन लगा हुआ है, यहाँ सेमीकॉलन लगा हुआ है और यहाँ भी सेमीकॉलन लगा हुआ है, जो कि ये बताता है कि ये लाइन एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अगर आप किसी भी स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकॉलन नहीं लगाते तो आपका कंपाइलर आपको सिंटेक्स एरर देगा। इसके अलावा जो तीसरी वजह है किसी भी प्रोग्राम के अंदर सिंटेक्स एरर आने की, वो है इम्प्रॉपरली मैचेस पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस एंड कोटेशन मार्क्स। दोस्तों जिस तरह सेमीकॉलन लगाना जरूरी है किसी भी फंक्शन के आगे, किसी भी लाइन के आगे, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप किसी स्टेटमेंट में कोई पैरेंथेसिस या ब्रैकेट या कोटेशन मार्क्स ओपन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए तो आपने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाया है, तो अगर आपने ये ब्रैकेट ओपन किया है तो आपको इस लैंग्वेज के अंदर ये ब्रैकेट क्लोज भी करना होगा। इसी तरीके से अगर आपने कोटेशन मार्क्स एक जगह लगाया है, कोटेशन मार्क्स ओपन किया है, तो आपको इसको क्लोज भी करना होगा। इसी तरीके से अगर आपने कर्ली ब्रेसेस ऑन किए हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन किए हैं, तो आपको इसकी जोड़ी बनाकर, इसका पेयर बनाकर इसको क्लोज भी करना होगा। यानी ये वो तमाम चीजें हैं जिनको आपको पेयर्स में यूज करना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपका कंपाइलर सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा। यानी फॉर एग्जांपल आपने ये कर्ली ब्रेसेस ओपन तो कर दिया लेकिन यहाँ पर इसको क्लोज नहीं किया, तो जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपके उस लैंग्वेज का कंपाइलर जो है वो आपको एरर जनरेट करेगा। वो एरर इसीलिए जनरेट करेगा क्योंकि आपने इम्प्रॉपरली मैचेस किए होंगे, आपने इनको, इन तमाम चीजों को ओपन करके क्लोज नहीं किया होगा। तो दोस्तों ये कुछ वजूहात थी किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर सिंटेक्स एरर की। अब आइए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि आप एग्जांपल के अंदर लाइव पर, यानी किसी भी प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद करेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके सामने एक प्रोग्राम मौजूद है और ये प्रोग्राम क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, अभी हम इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम इस प्रोग्राम को आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको सिंटेक्स एरर की पहचान करवाई जा सके। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह कंप्यूटर की तमाम लैंग्वेजेस के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि सिंटेक्स कहलाते हैं, और अगर आप उन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं तो आपके प्रोग्राम में जो एरर जनरेट होगा वो कहलाएगा सिंटेक्स एरर। और वो एरर की कॉज क्या क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर सी लैंग्वेज के अंदर आप किसी स्टेटमेंट के एंड में सेमीकॉलन नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम एरर देगा। इसी तरीके से अगर आप पैरेंथेसिस को ऑन कर रहे हैं, अगर आप कर्ली ब्रेसेस को ऑन कर रहे हैं, अगर आप कोटेशन मार्क्स को ऑन कर रहे हैं, और अगर आप उनको क्लोज नहीं कर रहे हैं, यानी ओपन करने के बाद क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको जो एरर मिलेगा वो सिंटेक्स एरर कहलाएगा। इसके अलावा अगर आप कीवर्ड्स की मिस स्पेलिंग कर रहे हैं, यानी कीवर्ड्स को गलत लिख रहे हैं, उनकी स्पेलिंग्स को गलत लिख रहे हैं, जैसे कि प्रिंटएफ एक कीवर्ड है, इंट एक कीवर्ड है, मेन एक कीवर्ड है, यानी ये ब्लैक से जो आपको नजर आ रहे हैं तमाम कीवर्ड है, तो अगर आप इन कीवर्ड्स की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं तो भी आपके प्रोग्राम में जो एरर जनरेट होगा वो कहलाएगा सिंटेक्स एरर। तो दोस्तों आप इस प्रोग्राम को हम सबसे पहले रन करके इसका रिजल्ट देखेंगे, लेकिन याद रखिए सी लैंग्वेज के अंदर आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है। तो मैं इस एग्जीक्यूट पर क्लिक करूंगी और सबसे पहले ऊपर कंपाइल लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी। दोस्तों कंपाइल करने से हमें ये पता लग जाता है कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन जो जो एरर्स आने होते हैं वो हमें यही मिल जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए आपको कुछ एरर्स शो हो रहे हैं, जहाँ पर आपको सबसे पहले जो एरर नजर आ रहा है वो लाइन नंबर 7 में। तो दोस्तों आप ये भी देखिए कि ये जो कंपाइलर है आपकी इस सी लैंग्वेज का, ये कितना ज्यादा स्मार्ट है कि ये आपको ये तक बता रहा है कि किस लाइन में एरर है। तो आप यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है एरर एक्सपेक्टेड टर्मिनेटर बिफोर प्रिंट, यानी प्रिंट जो आपकी लाइन नंबर 7 में लिखा हुआ है इससे पहले टर्मिनेटर होना चाहिए, यानी ये एरर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए ये प्रिंट है जो कि लाइन नंबर 7 में है और इससे पहले सेमीकॉलन होना चाहिए इस तरह से, लेकिन ये यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसने ये आपको बता दिया कि ये एरर आया है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर ये सेमीकॉलन लगाऊंगी, और जैसे ही मैंने सेमीकॉलन लगाया इसके बाद मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूंगी कि आया अब ये एरर रिमूव हुआ है या नहीं। मैंने इस कंपाइल पर क्लिक किया, अब दोस्तों आप ये देखिए कि वो जो लाइन नंबर 7 का एरर था वो रिमूव हो गया है।
अब आ गया है दोस्तों, अब जो आपको नेक्स्ट एरर ये बता रहा है वो है लाइन नंबर 9 में, और जो थर्ड एरर है वो है लाइन नंबर 14 में। तो सबसे पहले लाइन नंबर 9 को देखते हैं। लाइन नंबर 9 में जो एरर की डिटेल ये दे रहा है, ये कह रहा है कि आपका टर्मिनेटर से पहले एरर एक्सपेक्टेड है, और वो एरर ये है कि आपने जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज नहीं किया। तो दोस्तों ये टर्मिनेटर है, और इससे पहले मुझे ब्रैकेट को क्लोज करना है जो कि मैंने ये ओपन किया था। तो ये इसने मुझे ना सिर्फ एरर बताया बल्कि ये भी बताया कि वो एरर कहाँ मौजूद है, किस लाइन में मौजूद है, और ये भी बता दिया कि वो एरर क्या हो सकता है और आप उस एरर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये मैंने इसका राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन जो मैंने ब्रेसेस ओपन किया है इसको मैंने क्लोज भी कर दिया। और याद रखिए, आप जब भी सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी कर्ली ब्रेसेस हो, कोटेशन मार्क्स हो, राउंड ब्रेसेस हो, जब भी आप इसको ओपन करते हैं तो इसको क्लोज भी करना चाहिए, अदरवाइज आपका कंपाइलर आपको एरर देगा। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि क्या हमारे कंपाइलर ने इस एरर को रिमूव किया। मैं सबसे पहले इसको कंपाइल करूंगी, और कंपाइल करने पर आप देख सकते हैं कि इसने जो एरर है उसको रिमूव कर दिया है। अब सिर्फ एक एरर है, वो है अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इसने जो है इस जगह पर रेड रेड कर दी। तो यहाँ पर आप ये लाइन नंबर 7 में देखिए, यहाँ पर मैंने प्रिंट की जगह प्रिंट एफ की जगह प्रिंट लिखा है। तो यानी ये मैंने कीवर्ड जो है उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। कीवर्ड है प्रिंट एफ, जबकि मैंने यूज किया है प्रिंट। अब मैं इसको सही करने के लिए यहाँ पर ये प्रिंट एफ लिख दूंगी। मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूंगी, और कंपाइल करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब ये आपको शो कर रहा है कंपाइलेशन रिजल्ट्स, और यहाँ पर एरर भी जीरो है, वार्निंग्स भी जीरो है। और जब मैं अब इसको कंपाइल करने के बाद रन करूंगी तो आप देखेंगे कि इसका जो है आउटपुट आ जाएगा, विच मीन्स कि जब तक कि आपके प्रोग्राम में एक भी सिंटेक्स एरर बाकी रहेगा आपका प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। दोस्तों अब कंपाइलेशन जीरो हो गई है, उसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं रन पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट आपके सामने शो हो रहा है। तो दोस्तों ये था सिंटेक्स। दोस्तों यकीनन यहाँ आप लोगों के ज़हनों में एक सवाल आता होगा कि कंपाइलर को किस तरह से पता चलता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर सिंटेक्स एरर है। तो ये होता क्या है कि आपका कंपाइलर बिल्कुल जिस तरह आपके मोबाइल में कोई डिक्शनरी की एप्लीकेशन होती है और डिक्शनरी में तमाम वर्ड सेव होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कंपाइलर्स के अंदर भी उस लैंग्वेज के सिंटेक्स से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और जब भी आप अपने प्रोग्राम में कुछ सिंटेक्स की गलती करते हैं तो कंपाइलर अपनी डिक्शनरी से उसको मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने यहाँ पर प्रिंट एफ की जगह प्रिंट लिख दिया था, तो कंपाइलर ने क्या किया होगा, इसको अपनी डिक्शनरी में मौजूद कीवर्ड से मैच किया होगा, और जब उसको ये वर्ड नहीं मिला होगा तो इसने यहाँ पर सिंटेक्स एरर जनरेट कर दिया होगा। बिल्कुल ऐसे ही तमाम सिंटेक्स की डिटेल्स आपके कंपाइलर के डिक्शनरी में सेव होती है। कंपाइलर आपके प्रोग्राम को उससे मैच करता है, उसका मवाजना करता है अपनी डिक्शनरी में मौजूद चीजों से, और अगर वो मैच नहीं करती तो वो कंपाइलेशन के दौरान एरर जनरेट करता है, और वो एरर कहलाता है सिंटेक्स एरर। तो इस तरीके से कंपाइलर सिंटेक्स एरर को जनरेट करता है। दोस्तों सिंटेक्स एरर के बाद जो नेक्स्ट एरर है वो है लॉजिकल एरर, लेकिन वक्त की कमी के बायस हमें अपने लेक्चर का यही इख्तिताम करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एरर की दूसरी टाइप्स, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर की डिटेल्स बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।